क्राइम ब्रांच की पूछताछ में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम ने किए कई खुलासे। एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के वीडियो को बताया अपना, वीडियो से नहीं हुई कोई छेड़छाड़। पूछताछ में बोला शर्जील, जो जोश में असम को देश से अलग करने का दिया बयान, एफआईआर दर्ज होने पर हो गया था अंडरग्राउंड। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने शाहीन बाग को बताया शैतान बाग, बोले दिल्ली को नहीं बनने देंगे सीरिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बीजेपी पर वार, सीएए को लेकर बोले तिवारी, ईडी सीबीआई और आईटी कर रहे हैं बीजेपी के लिए काम। भड़काऊ भाषण देने पर डॉक्टर कफील मुंबई से गिरफ्तार, गोरखपुर में बच्चों की मौत के बाद नाम आया था सामने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी, प्रवक्ता राहत अबरार ने कहा छात्रों को किया जा रहा है चिन्हित, होगी कार्रवाई। आईआईटी मुंबई में एक आंतरिक मेल जारी, कैंपस में राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हॉस्टल या कैंपस की शांति हो भंग। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती, बीजेपी से दोनों नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी से दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार, 3 फरवरी को पूर्वी दिल्ली में और 4 फरवरी को द्वारका में चुनावी रैली। पवन जल्लाद आज पहुंचेगा तिहाड़ जेल, रहने के लिए मिलेगा एक फ्लैट, अगर सभी याचिका निपट गई तो 1 फरवरी को दी जानी है फांसी। नागरिकता संशोधन कानून पर यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को लेकर आज ईयू संसद में मतदान नहीं होगा, आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। ईयू संसद में बुधवार को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हावी रहे, आधिकारिक सूत्रों ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और इसे समुचित प्रक्रिया का पालन कर अपनाया गया है। यूरोपियन यूनियन के संसद ने बुधवार को फैसला किया कि सीएए पर मतदान 2 मार्च से शुरू हो रहे उसके नए सत्र पर कराया जाएगा, जिसे पहले इसी सत्र में कराया जाना था, जिसके बाद पाकिस्तान की निराशा को पूरी दुनिया ने देखा। सीएए और कश्मीर रेजोल्यूशन स्थगित होने के बाद सबसे ज्यादा निराश पाकिस्तान के शफाक मोहम्मद दिखे, जिनका एजेंडा दुनिया भर के सामने फेल हो गया और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई। भारत ने यूरोपीय संघ से कहा है कि सीएए हमारा आंतरिक मामला है, इस कानून को संसद में सार्वजनिक बहस के बाद उचित प्रक्रिया और लोकतांत्रिक माध्यमों द्वारा अपनाया गया है। भारत ने यूरोपीय संसद की ओर से सीएए के खिलाफ तैयार किए गए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी, यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव तैयार किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा, पूज्य बापू का व्यक्तित्व, विचार और आदर्श इंडिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रपिता के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि की अर्पित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची राजघाट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर राजघाट पर लगा नेताओं का जमावड़ा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे राजघाट, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिंटो हॉल पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। गांधी जी की पुण्यतिथि के बहाने दिग्विजय ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गांधी के विचारों की हत्या बीजेपी ने की, सीएए को भारत सरकार तत्काल वापस ले। सीएम योगी और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वसंत पंचमी पर गंगा में लगाई डुबकी, प्रयागराज में संगम पर कैबिनेट के मंत्री भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने घाट से रवाना होने से पहले पतंगबाजी का भी उठाया लुत्फ, अरल घाट पर वसंत पंचमी के मौके पर डोर पकड़कर सीएम योगी ने उड़ाई पतंग। वसंत पंचमी के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालु, संगम तट पर लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने रिटायर होने से पहले दिए शुभकामना संदेश। पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दी शुभकामना। नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के कारण प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निकाला गया। अनुशासन बगैर नहीं चल सकती है कोई पार्टी। झारखंड विकास मोर्चा नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे दिल्ली, हो सकती है घर वापसी। सीएए समेत बीजेपी की कई नीतियों का किया समर्थन। मुजफ्फरपुर में शक होने पर पुलिस ने लग्जरी कार का किया पीछा, ड्राइवर कार छोड़कर भागा। कार में भरी थी विदेशी शराब, पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने लूटी शराब। पटना में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े कंकड़बाग मेन टीपीएस कॉलेज के प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के दमदम में सरस्वती पूजा के अवसर पर पुलवामा के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों को याद कर मां सरस्वती की आराधना की गई। बापू की पुण्यतिथि के बहाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, बोले राज्य में कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में सीएसआई टावर की 8वीं मंजिल से गिरकर केयरटेकर की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गोविंदगढ़ से गुजरते नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर मौत। हरियाणा के पलवल में टाटा कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का माल जलकर राख, 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोरोना वायरस से पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में रहने वाले मोहम्मद जैनाल का परिवार परेशान, बेटा हिलाल अपनी पत्नी के साथ चीन के शेंजेन में रहता है। पश्चिम बंगाल के रॉय का परिवार भी परेशान, बेटा साम्मो राय पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए 22 जनवरी को चीन के वुहान प्रांत गया, इसके दो दिन बाद वहां कोरोना वायरस फैला। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका ने चीन अमेरिका के बीच उड़ने वाली कई फ्लाइटों को सस्पेंड किया। अमेरिकन एयरलाइंस ने लॉस एंजलिस से बीजिंग और शंघाई के बीच उड़ान सेवाओं को 27 मार्च तक किया निलंबित। कोरोना वायरस को देखते हुए गूगल ने चीन में अपनी टेक्नोलॉजी वेबसाइट अल्फाबेट इंक के दफ्तरों को अस्थायी रूप से किया बंद। हांगकांग और ताइवान में भी दफ्तर बंद, कर्मचारियों से एहतियात बरतने की अपील। जालंधर में पिटबुल कुत्ते ने बनाया 12 साल के बच्चे को शिकार, पैर को जबड़े में जकड़ा, डंडों से पिटाई के बावजूद नहीं छोड़ा पैर, किया बुरी तरह से लहूलुहान। उत्तराखंड से चंपावत में बारिश, बर्फबारी से पारा गिरा, हिंगला देवी की पहाड़ियां बर्फ से पूरी तरह ढकी, टनकपुर पिथौरागढ़ रास्ते पर भूस्खलन से बढ़ी दिक्कत। 30 साल से शांत नैनीताल की चाइना पीक की पहाड़ी पर भूस्खलन से दहशत में लोग, पहाड़ी से मलबा नीचे आने के बाद पेड़ों में अटका, रुक रुक कर नीचे गिर रहे हैं पत्थर। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सेतु बंद पर लगा फ्लेमिंगो का जमावड़ा, हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो समुद्र तट पर करते दिखे कोलाहल। एक महिला द्वारा खुद को गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची अनुराधा, तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में दाखिल मामले को मुंबई के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। सीएए के खिलाफ भारत बंद पर चेन्नई के एगमोर में दिखी अलग तस्वीर, नागरिकता कानून के पक्ष में बुलंद की आवाज। कर्नाटक के शिमोगा में सुपाड़ी की खेती से पर्यावरण पर असर, खोल फेंके जाने से जगह जगह लगे ढेर, हल्सी चिंगारी से जलकर पेड़ों को भी पहुंचाते हैं नुकसान। कोयंबटूर में शहर में पानी सप्लाई का ठेका बोलविया की कंपनी को सौंपे जाने का विरोध, हर साल गर्मियों में पानी की होती है गंभीर किल्लत। कर्नाटक में बैंक यूनियन के कर्मचारियों की दो दिन से हड़ताल, नेता वेतन भत्ता लागू करने की मांग, 2017 में कई दौर की बैठक के बाद नए वेतन भत्ते पर बनी थी सहमति। कर्नाटक में स्मार्ट सिटी प्लान को तेजी से अमल में लाने की कोशिश, बेलगाम में स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में लोक पर्व सातम्मा थलाई यात्रा का आगाज, 3 दिन के धार्मिक उत्सव को मनाने कोप्पावरम गांव में बड़ी तादाद में जुटे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के रांची में छात्राओं की बहादुरी के चलते पकड़ा गया मोबाइल चोर, मोबाइल छीनकर भाग रहे एक शख्स को छात्राओं ने दौड़कर पकड़ा।
पटना दौरे पर आए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का शत्रुघ्न सिन्हा पर बड़ा बयान, बोले बिहारी बाबू भले कांग्रेस में, उनकी आत्मा अब भी आरएसएस में। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में N95 मास्क बनाने का काम हुआ तेज, अतिरिक्त घंटे काम कर मास्क बनाने में लगे कर्मचारी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पेंशन सुधारों पर नाराजगी जताने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में किया स्ट्रीट मार्च, हाथों में बैनर तख्ती लिए पेंशन सुधारों को वापस लेने की मांग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ट्रंप के मिडिल ईस्ट प्लान पर फिलिस्तीन में भड़के हिंसा, यरूशलम को पूरी तरह इसराइल को दिए जाने के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने यरूशलम में किया पथराव, इजरायली पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। जमैका में रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का तगड़ा भूकंप, कोई हताहत नहीं, बाद में भी कई आफ्टरशॉक आए। पेरू में भारी तूफान के कारण भीषण बाढ़, घर और दुकान पानी में डूबे, घरों में कैद हुए लोग, अप्रैल तक पेरू में चलेगा बरसात का मौसम।